देखिए, मैंने बहुत सुना है कि जो पॉलिटिशियन होते हैं कोई किसी के नहीं होते, और यहाँ पर आज देख लिया। मैं कल बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मैं चाहता था कि जो बीजेपी और जेडीयू आरजेडी को लेके जो चल रहा है वो चलता रहे, और कांग्रेस सरकार में आए और हमारे अग्निवीर स्कीम बंद हो जाए। लेकिन इस वीडियो में ये जो एलोकेशन इन्होंने दे दिया बीजेपी ने, तो यहाँ पर अग्निवीर का जो बंद होने का, जो परमानेंट होने का चांसेस जीरो है। साथ में जो रिव्यू वाला नीतीश कुमार ने बहुत मतलब दम के साथ बोला था कि मैं रिव्यू करवाऊँगा, अग्निवीर स्कीम चेंज करवाऊंगा, उसकी कोई भी नामो निशान नहीं है, ना उन्होंने इसके बारे में कुछ उठाया है। इसलिए क्यों? क्योंकि इनको बजट एलोकेशन हुआ है। आप देख के चौंक जाओगे, यहाँ पर मेंस बहुत वायरल हो रहा है, देख सकते हैं। द अनाउंसमेंट स्पार्क्ड ए लाइवली रिएक्शन ऑन सोशल मीडिया। आंध्र प्रदेश और बिहार को इतने पैसे बीजेपी ने दे दिया है ताकि वो आगे बोले ही ना। उन्होंने जो एक स्पेशल स्टेट पैकेज मांगा था, उन्होंने अलर्ट कर दिया उसको। अब वो बिल्कुल इसके बारे में, जो अग्निवीर के बारे में सोचना छोड़ दिया। अभी अगर ये नहीं सोचेंगे अग्निवीर के बारे में, तो फिर मुश्किल है। आपका जो परमिट होने का, मैं समझ रहा था कि शायद इन लोग का जो चल रहा है कि नहीं देंगे इनको स्पेशल स्टेट का पैकेज। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा आपको, नीचे चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये मीम्स वायरल हो रहे हैं, आंध्र प्रदेश और बिहार और अदर स्टेट। आंध्र प्रदेश और बिहार का देख लीजिए, लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, और अदर स्टेट को इनके मुकाबले मतलब बहुत पैसे के पैसे ही भर दिया इन्होंने। या देख सकते हैं बिफोर आफ्टर, बिफोर ये कंगाल थे बिहार एंड आंध्र प्रदेश, आफ्टर ये बजट में कैसे हो गए। क्योंकि इन दोनों पार्टी में अब क्या है कि इन्होंने ही मतलब मोदी सरकार को वहाँ पर एक दिया था अथॉरिटी कि आप सरकार बनाइए। ये दोनों पार्टी की वजह से ही जो इंडिया का गठबंधन था उससे ज़्यादा सीटें इनकी हुआ था। हम देख सकते हैं ये सुमित मिश्रा ने भी शेयर किया, आप हमको चाहिए फुल इज्जत क्योंकि भाई इतने पैसे मिल गए। ठीक है, यहाँ देखो पैसे के साथ आंध्र प्रदेश और बिहार के लोग सो रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर और एक मीम है कि बिहार एंड आंध्र प्रदेश पैसा ही पैसा होगा, अदर स्टेट रो रहा है। यहाँ पर देख सकते हो यूनियन बजट हुआ था, उसमें 26,000 करोड़ रोड प्रोजेक्ट को लेके दिया बिहार को, साथ में 11,000 करोड़ दिया है फ्लड माइग्रेशन के लिए, यहाँ पर इनको एलोकेट हुआ है, जो कि बाकी स्टेट के हिसाब से बहुत 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 ज़्यादा है, 100 से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर अभी बिहार का जो CMO, उनको स्पेशल स्टेट पैकेज मिल गया, अभी वो नहीं बोलेंगे। कोई भी एग्नेस्ट में बीजेपी अभी करे वो नहीं बोलेंगे। साथ में एक मुद्दा जो था उनके अग्निवीर, वो भी दग गया। अब भाई दूसरा मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर देख सकते हैं आंध्र प्रदेश का, यहाँ पर 15,000 करोड़ दिया है असिस्टेंट फॉर आंध्र प्रदेश फॉर पर्पज डेवलपिंग अमरावती को डेवलप करने के लिए यहाँ पर दिया है। मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कि देना गलत है, मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब बाकी स्टेट के हिसाब से इनको बिल्कुल स्पेशली दिया गया, क्योंकि इन्हीं दो स्टेट की वजह से ही बीजेपी का गवर्नमेंट बना था। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का ये था कि अग्निवीर स्कीम के हम रिव्यू करेंगे। ऐसे तो वो भी है कि जो बिहार की जो भी यूथ है वो भी तो अग्निवीर दे रहे हैं, वो भी तो अग्निवीर में आ रहा है, तो उनके लिए सोचना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर बजट में उनके लिए कुछ नहीं रखा गया बिहार की तरफ से, जो कि मैं मानता हूँ कि वही वाली बात हो गया, जब सत्ता में आ जाओ तो सारी चीज़ें भूल जाओ, और जब आने से पहले बड़े बड़े बातें करते रहो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आज दिल टूट गया। 0% चांसेस है अभी कि अग्निवीर अभी परमानेंट हो जाएगा। तभी परमानेंट होगा जब कांग्रेस आएगा, कांग्रेस 4 साल के बाद 5 साल के बाद आएगा, तब पता नहीं क्या एज क्राइटेरिया होगा, कितने लोग एलिजिबल होंगे, जो लोग अभी सफ़र करें वो उस टाइम एलिजिबल होंगे कि नहीं, कांग्रेस 5 साल के बाद आएगा कि नहीं, वो भी नहीं पता। तो यहाँ पर तो जो रिव्यू का मामला था वो भी ठंडा हो गया, और जो परमानेंट का वो तो बिल्कुल मतलब क्या बताऊँ, मिट्टी के नीचे दब गया। आपकी क्या राय है इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी बहुत सारे वैकेंसीज अभी आ रहा है ITPP का, लगातार वैकेंसी आए। इंडियन आर्मी का ग्रुप सी का वैकेंसी आए, जो कि वीडियो अपलोडेड अभी कर रहा हूँ, आप जाके देख लेना, उसमें भी अप्लाई कर सकते हो, उसमें बहुत सारे बढ़िया बढ़िया पोस्ट आए हैं। छोड़ दो यार, अभी अग्निवीर परमानेंट होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, बाकी अगर 25 को लेके 50% कर ले तो ठीक है, बाकी और कुछ नहीं हो सकता है।